हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन चैप्टर जो है आपका टॉपिक, ये आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम में आपके आता है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, या चाहे किसी अदर स्टेट का टेट हो, या फिर आप कहे तो कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, सब में आपका विटामिन आता है। तो हम बात करेंगे विटामिन से रिलेटेड कम से कम 35 क्वेश्चन, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं विटामिन से मैं सारे बना कर लाई हूँ, और मैं यही कोशिश करूँगी कि विटामिन्स आपको यहीं पर याद हो जाएं। और आप भी कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन सारे ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर ध्यान से दें। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है, तो आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, तो नोट करते जाइएगा और रिविज़न करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात विटामिन की संख्या कितनी है? मतलब आपने मतलब अभी तक कितनी विटामिन संख्या ज्ञात कर ली गई है? तो विटामिन 20 विटामिन देखी गई है। हालांकि ये खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी रख दिया गया है क्वेश्चन में। मनुष्य के लिए कितने प्रकार की विटामिन महत्वपूर्ण है? तो मनुष्य के लिए 12 प्रकार की विटामिन महत्वपूर्ण है, ये आपका आता है, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ, हो गया, चलिए तो ठीक है। अगला है, यकृत, मक्खन, क्रीम तथा अंडों के पीतक से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यहाँ पे विटामिन ए प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि यकृत में क्वेश्चन बनता है कि यकृत में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन ए आपका कहाँ बनता है? यकृत पे बनता है। और कहाँ? मक्खन में मिलता है, क्रीम में मिलता है, और अंडों में मिलता है, ठीक है। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो कि मानव के यकृत में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मनुष्य के अंदर? तो ये है रतौंधी। रतौंधी आपका किससे रिलेटेड है? आँख से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो कि आपके आँख से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम फास्फोरस के उपापचयन का नियमन करता है? विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी आपका रिलेटेड है। अगर जहाँ पे कैल्शियम की बात आती है, वहाँ पे फटाक से आप विटामिन डी टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेराल। क्या नाम है? कैल्सीफेराल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। इसमें क्या होती है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और ऑस्टियोम मलेशिया वयस्क में, ये क्या है? रिकेट्स जो रोग होता है वो बच्चों में होता है, ऑस्टियो मलेशिया वयस्क में होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतुओं में त्वचा सूर्य के प्रकाश में किससे विटामिन डी का संश्लेषण करती है? यानी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की संश्लेषण करती हैं, तो वो है एर्गोस्टेरॉल से, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरियों में, यानी जो लड़कियां हैं, किशोरियां यानी वयस्क लड़कियां, किशोरियों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियो मलेशिया। ये सिर्फ किशोरियों में ही नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे किशोरी और किशोर दोनों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मछलियों के लीवर ऑयल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि विटामिन डी का स्रोत आपका, एक तो आपका क्या हो जाएगा, दूध से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन डी मछली के लीवर में प्राप्त जो ऑयल होता है उससे भी मिलता है। दूसरा आपका विटामिन डी प्राकृतिक रूप से सन से मिलता है। किससे? सन से, ठीक है। सुबह सुबह आप, सुबह की जो धूप होती है उससे, उसके सामने रहने से आपको क्या है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में क्या होता है,
फायदा होता है, क्या प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सालमन और कार्ड हेलीबट। ये क्या है, कहाँ किस मछलियों में पाए जाते हैं, ये मछलियों के नाम हैं। इनके लीवर में क्या है, ऑयल विटामिन डी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। हालांकि और मछलियों में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में, सालमन कार्ड और हेलीबट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल जैसे बिनोला, सोयाबीन और सलाद, अल्फाल्फा की पत्तियों से कौन सा विटामिन या प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये है आपका विटामिन ई। विटामिन ई सोयाबीन से भी मिलता है, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पूछा जाए किससे प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो किससे प्राप्त होता है, क्या लगाएंगे आप, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है, तो पालक, टमाटर, बथुआ, अंडा, पनीर, इनमें क्या होता है, विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का जमने में मदद करता है। तो ये है विटामिन के रुधिर का थक्का जमने में मदद करता है। मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था कि जमने नहीं देता है, क्या है, जमने में मदद करता है। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये है दस्त और पेचिस। ठीक है, दस्त और पेचिस। विटामिन के को सौंदर्य का भी विटामिन कहा जाता है। विटामिन के लोग क्या करते हैं, बालों में लगाते हैं और फेस पे लगाते हैं, तो सौंदर्य का सूचक भी कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से विटामिन वसा में अघुलनशील तथा पानी में घुलनशील होते हैं। अघुलनशील, देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन के। तो ए, बी और ई, ठीक है, विटामिन ई और के। तो क्या है, बी और सी आपका पानी में घुलनशील होते हैं, बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी, ई और के, इसे आप पढ़ेंगे अगर आप कर दिए तो इसको कीड़ा बना लीजिए, कीड़ा। तो कीड़ा जो है वसा में ही घुलनशील होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो कीड़ा जो है, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है, वसा में अघुलनशील होते हैं। मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन वसा में घुलनशील कौन सा नहीं होता है, तो विटामिन बी और सी, ये वसा में घुलनशील नहीं होते। किसमें घुलनशील होते हैं, ये होते हैं आपके पानी में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों का समूह होता है। तो ये है 11 से 12। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, ये करके होता है ना, विटामिन 12 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन बीजों बिना छिलका उतरे धान्यों जई सेम संतरे के रस टमाटर दूध और अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या है, विटामिन बी। किस विटामिन की कमी से रक्त व उत्तकों में पाइरूविक अम्ल एकत्रित होने पर बेरी बेरी रोग होता है। तो ये है आपका विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, कैंसर, कोबाल्ट कैंसर के लिए, कैंसर के उपचार में ये खाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन की कमी से ग्लोसीट्रिस जीभ में सूजन और सीबोरिक डर्मेटाइटिस रोग होता है। तो ये भी आपका किससे होता है, विटामिन बी से। विटामिन बी की कमी से और कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से विटामिन शरीर का सामान्य वृद्धि रुक जाता है और बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण किसके हैं, विटामिन डी की कमी के। नेक्स्ट है आपका,
विटामिन B5 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नियासीन, किसके नाम से? नियासीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये है आपका प्लेया। प्लेया बीमारी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन और या पायरिडॉक्सीमन जो है, या फिर आपका पायरिडॉक्सल, ये तीन नाम रूप क्या है? इनके कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है, इनमें? तो इनमें क्या है? विटामिन सिक्स, ठीक है, विटामिन सिक्स मिलता है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन B6 के प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से, यानी विटामिन B6 किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? तो विटामिन B6 किस में पाया जाता है? दूध में, फल में, दाल में और सब्जी में, ठीक है। विटामिन B6 दूध, फल, दाल, सब्जी में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, साइनोकोबालाबीन, यानी इसी को मैं अभी बोल रही थी, कोबाल्ट। तो B12 क्या है? कोबाल्ट इसको कहते हैं। तो साइनोकोबालामीन को क्या कहते हैं? तो इसे विटामिन B12 कहते हैं, ठीक है। अब बोलता है विटामिन B12 की प्राप्ति किससे होती है? तो गाय के दूध और लीवर में क्या होता है? विटामिन दूध की प्राप्ति होती है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है? तो ये है फॉलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता की बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोटिन का प्राप्ति को स्रोत कौन सा है? बायोटिन का प्राप्ति स्रोत क्या है? अंडे की सफ़ेदी। अंडे देखते हैं आप, कच्चा अंडा लीजिए तो आप उसे जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे, एक तो पार्ट होता है येलो कलर का, दूसरा पार्ट होता है वाइट कलर का। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि बायोटिन किस में पाया जाता है? येलो को हटा देंगे, जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है? बायोटिन, ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी कमी से आँखों की ज्योति पर, यानी आँखों की जो रोशनी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है? तो आइनोसिटोल की कमी से आँखों की जो रोशनी होती है, जो ज्योति होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, किसकी कमी से लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है? लीवर सिरोसिस रोग एक बहुत जो है खतरनाक बीमारी है। तो ये बीमारी किससे होती है? कोलीन, ठीक है, कोलीन की कमी से लीवर सिरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? तो यह विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसी का नाम स्कॉर्बिक एसिड भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के रक्त का थपका जमने में क्या है? मदद करता है, ठीक है। और विटामिन ई क्या है? सौंदर्य का जो है सूचक है। हमने शायद विटामिन के का बोल दिया था, तो विटामिन के नहीं होगा वहाँ पे, विटामिन ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन के मुख्य रूप का जो है, विटामिन के का स्रोत क्या है? तो टमाटर में विटामिन के मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है और आंतों में उत्पन्न होता है आपका विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य क्या हैं? न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य हैं अनुवांशिकीय गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं तो आप इन्हें जो है रिवाइज करते रहिएगा। 20 अगस्त को आपके सीटेट का क्या कर दिया गया है? एग्ज़ाम फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।